अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो हमारा है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटे, चलें, आज हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं बेटे? आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। कि वेक्टर्स को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और एक साथ आपने स्केलर भी पढ़ा था, जिसको सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे, हाँ। तो ये तो होगी वेक्टर की डेफिनेशन। आगे आ जाता है बेटे, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बेटे टू तरह की है, टू काइंड्स हैं। एक है आप समझ लें सिंबॉलिक, कि आप सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक आ जाती है ग्राफिकल, जो आप ग्राफ बना के किसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटे, हाँ। जैसे आप देखें, जैसे एक वेक्टर ए है, अब इसका सिंबल आप ऊपर बार लगा देंगे, आप इसको इटैलिक्स में थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे, आप इसके ऊपर लाइन लगा देंगे, या आप इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये तरीके हैं सिंबल में लिखने के वेक्टर को। ठीक है, हाँ। अब ग्राफिकली जैसे एक ये ग्राफ है एक्स वाई, अब इसमें एक ये वेक्टर आ रहा है ए, ठीक है, हाँ। तो इस तरह आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या कहलाएगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंट है। आप वेक्टर बी भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है बेटे, हाँ। तो ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब बेटे, ये हमने जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जिस सिस्टम में, ये जो एक्स और वाई, ये क्या है? ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसकी डेफिनेशन क्या है? कि जो जो ये जो दोनों लाइंस हैं एक्स और वाई, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस। टू ईच अदर फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और वो सिस्टम क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, और उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एंड सिस्टम कॉल्ड, सिस्टम को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बेटे, हाँ। अब ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी देख लें, ये देखें, दोबारा ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स बोलते हैं, ये वर्टिकल जिसको हम वाई बोलते हैं। ठीक है बेटे, वाई एक्सिस। अब इसमें एक ये पॉइंट पी है, ये ओरिजन है इसकी, इस ओरिजिन से कोई पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना ए, ए जो है ये वैल्यू है किसकी? उस पॉइंट बी की एट एक्स एक्सिस, और जो बी है ये वैल्यू है उस पॉइंट बी की एट वाई एक्सिस। ठीक है बेटे, हाँ। और ये जो ओ है, ये ओ हमारा ओरिजिन है, इसका दूसरा नाम है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, कि दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस शोज
लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटे? ओरिजिन। ये ओरिजिन की डेफिनेशन है, इस ओरिजिन की डेफिनेशन, ठीक है बेटे? हाँ, इसी तरह हमारे पास इसका कुछ एंगल भी होता है बेटे। हाँ, अब इसने इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल भी बनाया, ठीक है? हाँ, के इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है? हाँ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बेटे? हाँ, तो ये था हमारा डायरेक्ट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटे? इसी तरह एक हमारे पास थ्री डिमेंशनल भी होता है, जैसे ये टू डिमेंशनल था ना, इट इज़ टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आएगा हमारे पास थ्री डिमेंशनल। थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करेंगे बेटे? इसी तरह हमारे पास थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह फिगर है, एक्स वाई और जी। अब इसमें ये एक पॉइंट है पी। अब इसके जो होंगे वैल्यूज ए बी और सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है बेटे? हाँ, अब इसने जो एंगल बनाया है हमारा, जो एंगल ये बनाएगा ना एक्स के साथ, उसे आप बोलेंगे अल्फा। जो बनाएगा ना वाई के साथ उसे बोलेंगे बीटा, और जो बनाएगा इस जी के साथ उसे बोलेंगे गैमा। तो ये एंगल्स भी पता हूँ और ये वैल्यूज़ भी पता हूँ, ठीक है बेटे? हाँ, ये बेसिकली तीन डिमेंशन है, ये थर्ड वाली जो है ना ऐसे आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो हम 3D बना नहीं सकते, तो मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटे? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? हाँ, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।